नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़, 2 साल पुरानी रंजिश एक बार फिर आई सामने, जमकर पथराव फायरिंग, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। अलीगढ़ के सासनी केर थाना क्षेत्र के सराय मानसिंह में आज शाम दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ही पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गए। आरोप है कि मौके पर फायरिंग भी हो गई। सूचना पर थाना सासनी गेट पुलिस व तमाम आला अधिकारी पहुंच गए। मौके पर पथराव करने वाले लोग फरार हो गए। पुलिस अब मामला दर्ज कर झगड़ा करने वाले लोगों की तलाश कर रही है। दरअसल सराय मानसिंह में एक युवक राजू सट्टेबाजी का काम करता था। 2 साल पहले भी उसके और दूसरे पक्ष के युवक कुलदीप के बीच जमकर विवाद हुआ था। मामला पुलिस में दर्ज हुआ था। आज भी राजू और दूसरे पक्ष के युवक कुलदीप के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों युवकों के पक्ष के लोग वही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों में विवाद अब ज़्यादा बढ़ गया तो दोनों ही युवकों के पक्ष के लोग सामने निकल आए और देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। सूचना पर थाना सासनी गेट पुलिस में अन्य अधिकारी पहुंच गए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही झगड़ा करने वाले मौके से फरार हो गए। नगर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुन्नावत ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि दो पक्षों के बीच लड़ाई झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। दो गुटों में 2 साल पूर्व हुए एक विवाद में मुकदमा चल रहा है। उसी में दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चली आ रही है। उसको लेकर के संभव एक बार फिर दोनों पक्षों में आज देर रात विवाद हुआ और दोनों तरफ से पथराव व फायरिंग भी हुई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके पर फायरिंग की सूचना मिली है। पुलिस आरोपियों को तलाश कर रही है। जांच कर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अभी हालात को देखते हुए फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। क्या हुआ? पुलिस को यहाँ पे सूचना मिली कि दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है और इसमें इसी सूचना पे पुलिस यहाँ पे पहुँची है। तो दोनों आसपास पे पता करने में पता चला है कि इनकी पूरी की दुश्मनी है। पहले मुकदमे में भेजे गए थे, जिसकी वजह से इनके आपस में रंजिश चल रही है। तो उसी मामले में यहाँ पे पहुँचे हैं और इनकी तलाश की जा रही है। इनकी तलाश करके मुकदमा पंजीकृत करके आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। फायरिंग की सूचना इस तरह से निकल के आ रही, कुछ लोगों को बताया जा रहा है, पर अभी तस्दीक नहीं हुई है। इसकी तस्दीक नहीं करी जा रही है, इस तरह की कोई चीज़ हुई है। तो विवाद इतना क्यों बड़ा? इससे पहले भी विवाद हो चुका है इन लोगों से। जैसे कि मैंने बताया कि पूर्व में कोई इनके जो पूर्व में 2 साल पूर्व कोई विवाद था, उसी को लेके संभवतः ये विवाद हुआ है। अभी इसके आगे पूरी तफ्तीश की जाएगी, जाँच की जाएगी कि क्या वजह रही लड़ाई झगड़े की। अभी फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात है और इनको पकड़ के बाकी जो कारण है उसकी जानकारी।